जन्म से 30 दिनों तक नहीं रोने वाले बच्चे और डॉक्टर की क्या है कहानी चौंकाने वाला। चिकित्सा के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक चौंकाने वाला उपलब्धि की कड़ी में एक बार फिर बेगूसराय के न्यू बॉर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि बच्चे के अच्छे भविष्य की उम्मीद छोड़ चुके पीड़ित परिजन भी अचंभित रह गए। जहां पहला बच्चे का जन्म हुआ और 30 दिनों तक रोया ही नहीं। मेडिकल भाषा में ऐसे बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया कहा जाता है। सांस चलती रही, इस परेशानी के दौरान 3 चिकित्सक इलाज कर थक गए, लेकिन बच्चा रो नहीं सका। वह लगातार मौत के करीब पहुंचने लगा। इलाज करने वाले खगड़िया के एक व बेगूसराय के 2 चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर लिए और बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर की सलाह दी गई और अंत में शहर के NH31 के समीप सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार ने इलाज कर बच्चे को नई जिंदगी दी। गहन इलाज के बाद बच्चा जब पहली बार रोया तो सदर प्रखंड के वन द्वार गांव निवासी मुकेश कुमार पासवान की पत्नी कारो देवी हाथ जोड़कर चिकित्सक को भगवान कहने लगी। अपने मासूम बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए खुशी का इजहार करने कहने लगी कि सुना था कि डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं, आज मुझे एहसास भी हो गया है कि चिकित्सक वास्तव में भगवान का दूसरा रूप होता है। बेटा जब भी रोता था तो माँ का मातृत्व इस कदर जाग जाता था कि आंखों से आंसू छलकने लगते थे। यह अद्भुत नजारा था शहर के NH31 के समीप सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, जहां न्यू बॉर्न शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार ने उस बच्चे की जान बचाई जिसे खगड़िया के एक व शहर के 2 नामचीन चिकित्सकों ने पटना ये कहते हुए रेफर कर दिया था कि कोई चमत्कार होगा तभी बच्चे की जान बचाना संभव हो सकेगा। कारो देवी पटना ले जाने से पहले 14 अप्रैल को एक बार डॉक्टर अरविंद कुमार से सलाह लेने पहुंची थी कि बच्चे कम से कम पटना तक पहुंच सके। डॉक्टर अरविंद ने बच्चे को जब देखा तो पीड़ित माँ को भरोसा दिलाया कि ऐसे बच्चे का बेहतर इलाज बेगूसराय में ही संभव है, आप पटना क्यों जाना चाहती हैं। पीड़ित माँ को लगा कि उनके सामने कोई भगवान खड़ा है जो कह रहे हैं कि बच्चे को नई जिंदगी मिल जाएगी। उन्होंने बच्चे को भर्ती कराया। माँ की ममता व विश्वास या चिकित्सक अरविंद कुमार के बेहतर इलाज करने का कमाल कहें, बच्चा अब बिल्कुल स्वस्थ है। डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि 42 दिन पहले खगड़िया में इनका जन्मदिन हुआ था। जन्म के समय से कभी रोया ही नहीं था। मेडिकल टर्म में ऐसे बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया। पीड़ित माँ की जुबानी उनकी ही कहानी। कारो देवी ने बताया कि खगड़िया जिले के मथुरापुर वार्ड 6 में मायका है। शादी के 7 साल बाद पहला बच्चे के रूप में बेटे का जन्म सदर अस्पताल खगड़िया में हुआ। बच्चा रोया नहीं तो खगड़िया में ही एक निजी क्लिनिक में 3 दिनों तक इलाज कराया। उसके बाद भी बच्चा रो नहीं पाया तो बेगूसराय रेफर कर दिया गया। बच्चे का एक बड़े चिकित्सक के यहाँ 7 दिन व दूसरे चिकित्सक के यहाँ 11 दिनों तक इलाज चला। पैसे भी काफी खर्च हुए, फिर भी बच्चा रो नहीं पाया। धीरे धीरे बच्चा मौत के करीब जाने लगा। अंतिम उम्मीद से पहले डॉक्टर अरविंद कुमार से मिला तो बच्चे को देखने के बाद कह दिया कि ऐसे बच्चे का यही इलाज संभव है, मुझे भरोसा हो गया। चिकित्सक भी भरोसे व विश्वास पर खड़े उतरे। 11 दिनों तक गहन इलाज के बाद मेरा बेटा स्वस्थ हो गया, रोने लगा, दूध भी पीने लगा है। आज मैं अपने बेटे को सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल से घर ले जा रही हूँ। BNP न्यूज के लिए बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। सर एक्चुअली एक बच्चा है हमारे पास, बेबी ऑफ कारो, वो हमारे पास लगभग 11 दिन पहले भर्ती हुआ। इस बच्चे की स्थिति ये थी कि लगभग 30 दिन पहले बच्चा खगड़िया के सदर अस्पताल में जन्म हुआ। इस बच्चे का जन्म के बाद बच्चा रोया नहीं। चूंकि खगड़िया के सदर अस्पताल में वेंटिलेटर की उपलब्धता नहीं थी, इसलिए सदर अस्पताल में कुछ टाइम रखने के बाद बच्चे को भेज दिया गया वैसे अस्पताल के लिए जहां पे वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, क्योंकि बिना वेंटिलेटर के सपोर्ट से वैसे बच्चे को बचाना मुश्किल होता है जो जन्म के समय नहीं रोया है। लेकिन चूंकि ये बच्चे के पेरेंट्स खगड़िया के ही दूसरे अस्पताल में उन्होंने कोशिश किया कि इलाज करवाऊं, तो खगड़िया के 2 डॉक्टर साहब से उन्होंने संपर्क में आया और वहाँ कुछ दिन तक इलाज कराया। बाद में उस बच्चे को बेगूसराय के लिए रेफर किया गया खगड़िया के डॉक्टर साहब के द्वारा। बेगूसराय में बच्चा एडमिट हुआ, कुछ समय बेगूसराय के एक डॉक्टर साहब के पास भर्ती रहा। वहाँ बच्चे के पिताजी उनको ये लगा कि हमारा बच्चा रिकवर नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर साहब से बात किया। डॉक्टर साहब बोले कि इस बच्चे को वेंटिलेटर के सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे यहाँ वेंटिलेटर उतना बढ़िया वाला नहीं है, सो आप कहीं और लेके जाओ। तो इस बच्चे को एक दूसरे डॉक्टर साहब के पास बेगूसराय में ही उन्होंने रेफर कर दिया। फिर बेगूसराय के दूसरे डॉक्टर साहब के पास ये बच्चा 11 दिन तक वेंटिलेटर मशीन के सपोर्ट पे रहा, लेकिन इस बच्चे में सुधार नहीं हो रहा था। जब
इस बच्चे के पिताजी ने डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब बताए कि बच्चे में सुधार हमको नहीं लग रहा है, लेकिन बच्चा और दिनों दिन खराब ही हो रहा है। सो अगर आपको अच्छा इलाज चाहिए तो आप पटना चले जाइए। तब इस बच्चे के पिताजी और दादाजी, नानाजी, जो भी पेरेंट्स थे, सब मायूस हुए और अलग अलग लोगों के संपर्क में आने के बाद किसी ने इस बच्चे को मेरे पास लाने का सुझाव दिया। तब इस बच्चे के रिलेटिव बच्चे को मेरे पास लेके आए। मैं बच्चे के पिताजी को समझाने में कामयाब हुआ कि पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, पटना में जो सुविधा मिलती है वो हम भी यहाँ सुविधा देते हैं, हमारे पास भी वो सारी मशीनरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं 24 घंटे रहता हूँ हॉस्पिटल में, इस बच्चे का वैसा ही देखभाल मैं भी कर सकता हूँ जितना पटना जैसे बड़े अस्पताल में हो सकता है। इस बच्चे के पेरेंट्स ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और 11 दिन बाद रिजल्ट सामने है। आज बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है, बच्चा रोता है, दूध पीता है, माँ के गोद में अब स्वस्थ बच्चा है। आज इस बच्चे को घर भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या कहेंगे सर, अलग अलग लोगों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरह से हो सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि चमत्कार हुआ, कुछ लोग कह सकते हैं कि होनी में जो लिखा था हुआ। मेरा ये मानना है कि इस बच्चे पे एक बहुत ट्रेंड स्टाफ, बहुत उन्नत वैज्ञानिक तरीका, मशीनरी और अच्छे से टाइम मैनेजमेंट के साथ इस बच्चे को सही से मैनेज किया गया, जिसकी वजह से बच्चा बच पाया। कितने दिन का बच्चा है सर? ये बच्चा लगभग 30-32 दिन का हो गया है और अब जाके मान के चलिए कि बच्चा बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ है, खतरे से बाहर है। खतरे से बिल्कुल बाहर है सर, बिल्कुल। दूध पीता है, सुसु पॉटी कर रहा है, रोता है, माँ से अब आंख मिलाने में बच्चा सक्षम है। तो बिल्कुल नॉर्मल हो, बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड हो गया सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल NH 31 पे है सर, लोहिया नगर गुमटी के सामने। क्या कहना चाहेंगे जिलेवासियों को? जिलेवासियों के लिए मेरा एक सिंपल मैसेज है सर, बहुत सारे लोग पटना चले जाते हैं ये सोच के कि बेगूसराय में नहीं हो सकता है। बेगूसराय में वो सारी सुविधाएं हैं जो पटना जैसे बड़े अस्पताल में मिलती है। जो मशीनरी चाहिए अब बेगूसराय में अवेलेबल है। बेगूसराय अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में पटना से किसी तरह से कम नहीं है सर। आपको कैसा लग रहा है? हमको बढ़िया लग रहा है। क्या हुआ था बच्चे में, परेशानी क्या हुआ था? बच्चा परेशानी कुछ नहीं, मतलब खगड़िया सदर अस्पताल में हुआ, 8 दिन घर में रहे, 8 दिन के बाद हमको बच्चा सुसुत लगता है। हम बोले कि हमको बेटी बुला के मन, हमको बच्चा मन खराब, हम खगड़िया में देखाएं, खगड़िया से हमको नहीं बढ़िया लगा, आई बेगूसराय, बेगूसराय हमको वो डॉक्टर कन गया, बच्चा बेहोश हुई, बच्चा बेहोश हो गया, 12 दिन हुआ रखे, 12 दिन के बाद यहाँ हम ही डॉक्टर कन आए, डॉक्टर कन तो हमको बच्चा बढ़िया लगता है, एक दिन लाइट उत वेंटिलेशन पर रखे, एक दिन हमारे बच्चा लाइट उत फेंकना लगला, खेले लगले। जब आप कौन? हम आप नानी हलिए बच्चा। हाँ, ये जो है आपके मतलब नाती है? हाँ नाती है, पहला नाती है या? पहला नाती। बेटी भी आपकी बड़ी है? ना, इसको से बड़ी बेटी है हमको, मतलब द्वितीय स्थान पर आपकी बेटी है। तीसरा स्थान पर? तीसरा। संजली है? संजली है। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा करांती देवी। पति का नाम? बबलू पासो। कहाँ घर हुआ आपका? खगड़िया। मतलब आप अपने यहाँ मतलब बच्चे को प्रसव कर लिए? खगड़िया अस्पताल हुआ। मतलब जो धारणा है कि पहले हाँ, पहले बच्चा का जो है जन्म माँ भीनू होता है, वह बात पहला बच्चा हुआ माँ भीनू हुआ। चलिए ठीक है। मन मतलब क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत महसूस कर रहे हैं, जहाँ बच्चा लेकर खुश हो, खुश हो गए। हाँ, खुश हो गए बच्चा। कैसे क्या हुआ था? बोल खगड़िया पर था, बोल खगड़िया मतलब प्रसव आपका खगड़िया में? हाँ, सदर अस्पताल में। अच्छा, फिर वहाँ क्या हुआ बच्चे को? वहाँ कुछ नहीं, बच्चा बहुत कुछ नहीं, 6 दिन के बाद बढ़िया रहे, 6 दिन के बाद तब हुआ तनी मनी, तो आए बेगूसराय आए थोड़े, तब सीरियस में ठीक हुआ। सीरियस हो गया था? हाँ, सीरियस में हुआ हुआ है, यहाँ आया ठीक हुआ। कितना दिन लगा है अभी तक? बच्चा का उम्र कितना है लगभग? एक महीना, तीन दिन, दो दिन जैसे।
एक महीने से तीन दिन कैसे है? मतलब आज बच्चा रोया है? जब आए तो दवा से आप रोने लगा, खोने लगा। उसके बाद आपको मतलब डॉक्टर साहब केवल डॉक्टर साहब है या और कुछ है? अरे लोग जो मतलब कहा ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। डॉक्टर मिले तो बच्चा सही होने रहे, नहीं खोले रहे, नहीं कुछ नहीं आई रही, तो सब कुछ खोले खेला। क्या नाम हुआ आपका? कारू। और पति का नाम? घर कहाँ हुआ आपका? बंदवार। बंदवार बेगूसराय। बच्चा का नाम क्या रखे हैं? नाम तो नहीं रखे, इसी डॉक्टर का नाम धर पर नाम रख दिया दीवान। चलिए ठीक है, इसी तरह मुस्कुराते रहिए।